वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। लास्ट सेगमेंट आप देख रहे हैं, हम रुक करेंगे कनाडा का। कनाडा में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में क्रिकेट बहुत ज़्यादा तो हो रही है, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, और टेप बॉल क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो भी होने जा रहा है, और उसका मुकाबला यूएसए वर्सेस कनाडा वो भी हो रहा है। लेकिन पीएसएल का क्रेज़ वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कनाडा में भी पाकिस्तानी बहुत रहते हैं, तो क्रिकेट का मुकाबला वहाँ किस तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर आवान साहब हमारे साथ हैं, हफीज़ आवान साहब, उनसे राय लेते हैं, थोड़ी सी उनसे बात करते हैं हम दोनों ही, बदीउ जमा और उनके साथ एजाज शेख और मैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। डॉक्टर साहब आपको सुबह सुबह हमने उठा दिया, अब आप ये बताइए कनाडा में क्रिकेट का पीएसएल का क्रेज़ कैसा है? कनाडा में कम्युनिटी देखती है, क्योंकि अप्स एंड यू नो जो टाइमिंग है उसके हिसाब से तो नहीं बनता, लेकिन क्रिकेट की बातें होती हैं, पीएसएल का के मुकाबलों की बातें वहाँ होती हैं। अच्छा सच्ची बात बताऊँ ना, हमारा जो गेट टुगेदर है ना कैनेडियंस का, वो अमूमन हमारे खानों पे होता है, क्योंकि हम पाकिस्तानी खानों के शौकीन हैं, तो जब भी खाने पे इकट्ठे होते हैं तो पॉलिटिक्स से हट के जो चीज़ डिस्कस होती है वो क्रिकेट होती है ऑफकोर्स। लेकिन क्रिकेट में जब से पीएसएल शुरू हुई है, ये 8वां हमारा एडिशन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा क्रेज़ इसी पीएसएल का पाया जाता है। मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त, तो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ लोगों को बात करते हुए, तो वो इस तरह से इंथ्यूजियस्ट नहीं होते। ठीक है जो क्रिकेटर्स हैं जिनका शौक है वो डेफिनेटली देखते हैं, लेकिन ऐसा क्रेज मुझे नजर नहीं आता जिस तरह कैनेडा में है। कैनेडा में हर बंदा हर बंदे से पूछेगा कि आज का मैच देखा, फलां ने फलां को आउट किया आपने देखा, आज अच्छा। उसने इतनी अच्छी इनिंग खेली वो देखी। आप यकीन कीजिए, आप किसी को फोन कर लीजिए कैनेडा के साथ, हर बंदा साय मयूब को जानता होगा। साय मयूब, अब आपने ना मैचेस देखने हैं पूरी तरह से देखने, क्योंकि आप हमारे साथ अगले प्रोग्राम में भी आप शामिल होंगे, बदीउ जमा आपसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा ये बताएं, आप पीएसएल देख रहे हैं तो क्या आपने इस पीएसएल में और दूसरी जो लीग्स पूरी दुनिया में होती हैं उसको भी ज़ाहिर है वॉच करते होंगे, तो कितना फ़र्क है इस पीएसएल में और दूसरी लीग्स में? हमारे यहाँ आमतौर पर जो पासवर्ड पाया जाता है ना, वो तो है कि हमारी पीएसएल बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है इसमें, लेकिन मैं आपको कैनेडियन वर्जन भी साथ साथ देता चलूँ, मैं अपना वर्जन भी दूंगा, ओवरऑल पब्लिक का वर्जन भी दूंगा। नो डाउट कि आईपीएल एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का बड़ा आमतौर पर ये कहना, इवन इंडियंस का भी, जब वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि यार हमारी आईपीएल तो ना वो खेल तमाशा ज्यादा बन गई है, उसमें पैसा इन्वॉल्व इतना ज्यादा है कि लोगों को हारने और जीतने से इस कदर कोई गरज नहीं है, इसलिए कि दे डोंट केयर, वो मैच जीत गया तो भी पैसे बन जाने हैं, मैच हार गया तो भी पैसे बन जाने हैं। अच्छा। लेकिन जो पीएसएल का ब्रांड है, इसका जो क्रेज है वो बॉलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये मुझे वैसे थोड़ा सा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दफा हमारी बॉलिंग थोड़ी सी फीकी नजर आ रही है, या उसकी वजह यह है कि हमारी विकेटें, पहले हमारी ज्यादातर पीएसएल होती थी यूएई में, तो वहाँ थोड़ी सी विकेटें स्लो होती है, तो 160-170 इसके आसपास स्कोर बनता था, अब 200 बन रहा है, तो लोगों ने समझा कि शायद हमारी बॉलिंग वीक होगी। हालांकि इसको समझने की जरूरत है कि चूंकि पाकिस्तान में आ गई है पीएसएल, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप और मैं एक ही पेज पे, मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था विकेट जो पिंडी की विकेट है, और बदी ने भी कहा था कि 200 रन बन रहे हैं। एजाज शेख हमारे लाहौर के नुमाइंदे हैं, वो भी तजियाकार हैं, वो बैठे हैं, वो आपसे आप सवाल करेंगे। एजाज शेख, आप एजाज शेख आवाज आपकी आ रही है? नहीं आ रही। जी डॉक्टर साहब। जी जी आप सवाल क्या आ रहा है? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और कबड्डी को बहुत ज़्यादा फ़रोग उधर हासिल है, और जो भी कबड्डी प्लेयर है वो वहाँ जाके सेट हो जाता है, तो कबड्डी की मौजूदगी में आईपीएल पीएसएल का जिक्र होना ये किस हद तक मुमकिन है, और आप पाकिस्तान कम्युनिटी में वहाँ पर बैठे हुए क्रिकेट के लिए क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, एक तो यह है कि मैं कबड्डी और क्रिकेट को बिल्कुल दो अलग पैराए में देखता हूँ, इसलिए कि जो कबड्डी है उसके जो ऑडियंस है वो बहुत बहुत पर्टिकुलर है, वो बहुत टिपिकल है, बहुत थोड़ी है, उसमें ज्यादातर हमारे जो इंडियन सिख भाई है ना वो ज्यादा शामिल है, हमारे पाकिस्तानी लोग कम देखने जाते हैं कंपेरेटिवली। अगर मैं इसलिए तो मेरा सिर्फ क्रिकेट से ही ताल्लुक नहीं, मैं स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट होता है और मैं देखता भी रहता हूँ दुनिया में, लेकिन कबड्डी में लोगों का इंटरेस्ट है लेकिन एक खास हद तक, लेकिन क्रिकेट का क्रेज चूंकि पाकिस्तान से हम साथ जीन्स में लेके गए हैं तो उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, तो वहां पे जब भी क्रिकेट होती है पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया में कहीं भी हो रही है, बेशक हम हार रहे हो या हम जीत रहे हो, पाकिस्तानी उसी तरह इन्वॉल्व होकर देखते हैं। हाँ ठीक है, अगर हार जाए तो एक दो दिन हम मुंह बसोड़ते जरूर हैं, लेकिन फिर तीसरे दिन टीवी के आगे बैठे होते हैं, गालियां चले जाए कि फिर बैठ जाते हैं आगे, बिकॉज हम इससे अलग नहीं हो सकते।
और बाकी रही बात आपने जो सेकंड हिस्सा था आपके क्वेश्चन का कि मैं क्या कर रहा हूँ, सर मैं काफी अच्छे से इन्वॉल्व हूँ तकरीबन 17-18 साल से क्रिकेट में, लेकिन प्रैक्टिकल क्रिकेट का मतलब यह कि मैं क्रिकेट अंपायरिंग में इन्वॉल्व हूँ बेसिकली। तो मैंने स्टार्ट यहीं से किया था पाकिस्तान से लेवल वन का, उसके बाद लेवल टू लेवल थ्री दोनों मैंने यहाँ कनाडा से किए, और फिर जो होता था पहले ACUNS एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट अंपायर एंड स्कोरर्स यूके से वो कोर्स किया था कुछ साल पहले से, और बहुत सारे फाइनल्स और कुछ इंटरनेशनल मैचेस। चलें बहुत अच्छी बहुत अच्छी आपकी ये जो पहचान है वो अंपायरिंग में भी है, मुझे मालूम था ये, मैंने कहा चलें आगे चल के बताऊंगा। आखिरी बात तो बता दें कि ग्लोबल T20 एक टूर्नामेंट हुआ था इंग्लैंड में 2 साल पहले, उससे बड़ी बड़ी टीम्स खेली थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ही पाकिस्तान से गई थी उसके, उसका क्या स्टेटस है अब वो नजर नहीं आता। सर होता यूँ है भाई कि वहाँ पे कनाडा में प्रॉब्लम ये है कि कोई अचानक से स्पॉन्सर मिल गया टूर्नामेंट हो गया, ठीक है वो एक टूर्नामेंट तो हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंटली कनाडा में क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर तलाश करना काफी मुश्किल काम है। जो भी कोई यानी कि अगर कैनेडियन बोर्ड करे, क्रिकेट बोर्ड करे, क्योंकि वहाँ भी ज्यादातर हम देसी इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट बोर्ड में भी वही है, तो वो भी किसी एक बैंक को किसी एक बड़े स्पॉन्सर को पकड़ते हैं, लेकिन वो एक इवेंट के लिए होता है, आगे चलना काफी मुश्किल होता है जब तक उस पर ताजर बरादरी या जो मतलब जो बड़े लोग हैं पैसे कमाने वाले वो इन्वॉल्व नहीं होंगे मुश्किल हो जाएगा, फ्रेंचाइजेज जब तक खरीदी नहीं जाएंगी तब तक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दैट वॉज अ सक्सेसफुल टूर्नामेंट जो ग्लोबल T20 हुआ था, टोरंटो में हुआ था, मैं वेस्ट कोस्ट पे हूँ वैसे, शुरू में मैं टोरंटो में रहता रहा हूँ कुछ ऐसा, वहाँ मेरी है नहीं थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर हम वैंकूवर क्रिकेट को देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इवेंट जो है दैट वॉज वेरी सक्सेसफुल। और तीसरी जो बड़ी वजह है ना थोड़ी सी हमारे इवेंट को नीचे जाने की, एक तो कोविड ने भी खैर बहुत ज्यादा इफेक्ट किया उसको, और थर्डली ये है कि इसमें चूंकि इन्वॉल्वमेंट सिर्फ देसी कम्युनिटी की है, वहाँ के लोगों की यानी कि गोरों की बहुत कम है, ना उन्हें खैर बराबर ये मसला है आई हॉकी और बाकी ये मसला अमेरिकन रीजन में है कि वहाँ लोकल इतने ज्यादा नहीं है। आपकी तरफ भी अब अनूप रवि भी आ गए हैं, वो भी शायद अब एलिजिबल हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद खेलने में, रिजवान चीमा तो एक बहुत बड़ा नाम है कैनेडन क्रिकेट का, बहुत बड़ा नाम है रिजवान चीमा, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जा रहे हैं और बन जाएगी इंशाल्लाह, हमें ये उम्मीद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो हमारे यहाँ मतलब इमरान फरत भी काफी अच्छे से वहाँ पे हैं, वहाँ से लेके इमरान फरत तो चले गए, इमरान फरत तो अफगानिस्तान के साथ ही चले गए, उनका कोचिंग कोई सिलसिला हो गया सलीम जाफर का, इमरान फरत का आपने नाम लिया। अच्छा जी जी, इमरान फरद काफी अच्छे से वहाँ पे हो सकता है उनका अफगानिस्तान से हो गया, लेकिन मतलब इस तरह से काफी लोग जा रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद के बहुत सारे प्लेयर वहाँ पे हैं, दानिश हनीफ वहाँ पे हैं, अंजुम जो हमारे नई अंजुम। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपके साथ ना अगले प्रोग्राम का हमने वादा कर लिया है, आगे प्रोग्राम में हम PSL की जो ट्रांसमिशन हमारी चल रही है 19 तारीख तक, उसमें आपसे रबते में हम रहेंगे। ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने वुमेन्स डे के हवाले से शुरू में बात की, अमन अली की आपने राय सुनी, उसके अलावा एजाज शेख और बदीजमा भी हमारे साथ रोज़ाना ही होते हैं, और आज भी इन्होंने राय दी PSL के कल होने वाले मुकाबले पे, और आज जो मुकाबला होगा पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर का, बहुत सारी बातें इस मुकाबले के हवाले से हम करना चाह रहे थे, लेकिन हमने आपको कनाडा का पर्सपेक्टिव देना था इसलिए वो बात नहीं हो पाई। आज टेस्ट रैंकिंग भी अनाउंस की है, उस पर के हवाले से भी बात करनी चाह रहे थे हम, कि टॉप जो 10 है पाकिस्तान के बाबर आजम भी हैं और शाहीन आफरीदी भी हैं। चलिए वो बात अब कल पर हम उठा के रखते हैं, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, खुदा हाफिज़।